एक गांव में कल्लू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत सीधा सादा और दयालु इंसान था। उसकी पत्नी दिन भर काम करती और वे सारे दिन घर के बाहर बैठकर कुत्ते, बिल्ली और पक्षियों को कुछ ना कुछ खिलाता रहता था या घर में पड़ा रहता था। उसकी पत्नी उसे काम करने के लिए कह कह कर थक गई थी, पर उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। जब भी पत्नी कल्लू को काम करने के लिए कहती या उसके आलसीपन के लिए कुछ कहती, तो वह चुपचाप घर से बाहर निकल जाता और पूरा समय जानवरों के साथ ही बिता देता। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद घर में आ जाता। उसको पता था कि तब तक उसकी पत्नी का गुस्सा शांत हो गया होगा। एक दिन कल्लू की पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं सारे दिन खटती रहती हूँ और तुम दिन भर बैठे हुए पलंग तोड़ते हो या कुत्ते बिल्लियों को रोटी खिलाते हो। आज तो तुम्हें कोई काम करना ही होगा। उसने एक रुमाल में उसके लिए चार रोटियां बांधकर दे दी और कहा, जाओ। अब कल्लू आलसी तो था ही, वह पोटली लेकर घर से निकल पड़ा। जैसे ही उसने घर के बाहर कदम रखा, उसकी पत्नी ने दरवाजा बंद कर दिया। अब उसके पास घर लौटने का कोई चारा ही नहीं रह गया था। जाते जाते एक जंगल पहुंच गया। एक पेड़ के नीचे पहुँच कर वहीं खड़ा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाए। एक तो वह बहुत थक गया था, इसलिए उसने सोचा कि चलो कुछ देर आराम कर लेते हैं। इतना आलसी था कि उसने रोटी की पोटली वहीं पेड़ की एक डाल पर टांग दी और पेड़ के नीचे आराम से पैर फैलाकर सो गया। थोड़ी देर के बाद पेड़ पर रहने वाला एक जिन्न उतरा। उसने पेड़ की डाल पर टंगी पोटली उतारी और उसमें से रोटी निकाल निकाल कर खाने लगा। उसे ये रोटी बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। धीरे धीरे उसने सारी रोटियां खा ली। कुछ देर बाद जब कल्लू की नींद टूटी, तो उसने देखा कि उसे घर से निकले बहुत देर हो गई है और बहुत भूख भी लग गई है। उसने पेड़ पर टंगी पोटली उतारी। पोटली में रोटियां नहीं थी, बल्कि रुमाल में एक सुंदर सी बांसुरी बंधी हुई थी। कल्लू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कर क्या सकता था। उसने बांसुरी उठाई और उसने जोर से उसे बजा दिया। बांसुरी की आवाज निकलते ही वहाँ एक सुंदर सी परी निकल आई। वह बोली, तुम्हें क्या चाहिए? कल्लू ने कहा, तुम कौन हो? वह बोली, आपने ही तो मुझे बुलाया। तब कल्लू को समझ में आ गया कि ये बांसुरी साधारण नहीं है, बल्कि कोई जादुई बांसुरी है। उसने कहा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। देखते ही देखते उसके सामने थाली में सजे हुए कई व्यंजन आ गए। परी गायब हो गई। वह बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर तक जादुई बांसुरी के बारे में ही सोचता रहा। फिर वह बांसुरी उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर आकर उसने अपनी पत्नी को जादुई बांसुरी के बारे में बताया। पत्नी तो ये सुनकर खुशी से झूम उठी। उसने उस बांसुरी को अपने घर में संदूक में ले जाकर रख दिया। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा चमत्कार हो सकता है। उसने कल्लू से कहा, भगवान हम पर खुश हुए हैं, इसीलिए हम सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर सात ब्राह्मणों का भोजन कराएंगे। इसके बाद ही इस बांसुरी का प्रयोग करेंगे। ये निश्चय करके कल्लू ने गांव के सात ब्राह्मणों को अपने घर भोजन के लिए न्योता दे दिया। वे जहाँ भी न्योता देने जाता, सब लोग उसे हैरानी से देखने लगते कि इसके पास कहाँ से इतना पैसा आ गया कि ये ब्राह्मणों का भोजन करा रहा है। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दाने दाने को तरसता कल्लू ब्राह्मणों को भोजन करा रहा है। ये देख कर सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। जब ब्राह्मण उसके घर खाना खाने के लिए पहुँचे, तब उसकी पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक सभी ब्राह्मणों को बहुत सम्मान से बिठाया और दोनों पति पत्नी ने मिलकर बांसुरी बजाई। देखते ही देखते पंडितों के सामने चांदी की थालियों में तरह तरह के व्यंजन आ गए। सब ने खूब चटकारे लेकर खाए। जाते समय उनको चांदी की थाली के साथ साथ चांदी की गिलास और कटोरे भी दान में देने के लिए दिए।
पूरे गांव में शोर हो गया कि कल्लू तो बहुत अमीर हो गया। उसका पड़ोसी नंदू, जो कि बहुत पैसे वाला था, उसको ये बात सहन नहीं हुई। उसने जाकर कल्लू से पूरी बात विस्तार से जानी चाही। कल्लू तो वैसे ही बहुत सीधा साधा आदमी था, उसने उसको सब कुछ बता दिया। नंदू ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बांध दो, मैं भी जंगल जाऊंगा। नंदू भी उसी तरह से जंगल में गया और उसने उस पेड़ के नीचे जाकर पेड़ की डालियों में खाने की पोटली बांध दी, खुद सोने का बहाना करके लेट गया। तभी उस पेड़ में से जिन निकला और उसने सारा खाना खा लिया। इसके बाद उसने उस रुमाल में एक बांसुरी के आकार में लकड़ी रख दी। नंदू थोड़ी देर बाद जब उठा तो पोटली खोल कर भी नहीं देखा। पोटली में कुछ बंधा हुआ देखकर झूमता हुआ अपने घर पहुंचा। उसने कल्लू की देखा देखी पूरे गांव को ही दावत दे डाली। लोगों ने एक दिन पहले ही देखा था कि कल्लू की दावत में ब्राह्मणों को कितने प्रेम पूर्वक भोजन कराया गया था और उन्हें दान में चांदी के बर्तन भी मिले थे। इसलिए पूरा गांव नंदू के घर खाना खाने के लिए आ गया। नंदू ने सबके बैठने की व्यवस्था की। इसके बाद उसने रुमाल से बांसुरी निकालने के लिए जैसे ही उसमें बंदी गांठ खोली तो उसने देखा वह तो एक साधारण लकड़ी थी। फिर भी उसने लकड़ी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि सबके लिए भोजन ले आओ। और ये कहते ही वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ दनादन सबके सिर पर वार करने लगी। लोग अपनी जान बचाकर भागे। सबके जाने के बाद उस लकड़ी ने नंदू और उसकी पत्नी को भी मारना शुरू कर दिया। जब कल्लू ने ये सब सुना तब वह भागा भागा आया। उसने अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी बजाते ही परी आ गई। कल्लू ने उस परी से विनती की कि इन डंडियों को किसी तरह रोक दे। परी ने डंडियों को तो रोक दिया, लेकिन उसने कहा, नंदू को पैसे की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसने तुम्हारी देखा देखी ज्यादा पैसे पाने की लालच में ये सब नाटक किया था, इसलिए इसका फल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। तुम एक नेक इंसान हो, जानवरों को भोजन करवाते थे, इसलिए तुम्हें ये जादुई बांसुरी मिली थी, लेकिन इसके पास सब कुछ रहते हुए भी इसका लालच खत्म नहीं हुआ। ये सुनकर नंदू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने परी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। कल्लू से कहा, आज से मैं कभी भी ज्यादा पैसे का लालच नहीं करूंगा। इसके बाद दोनों पड़ोसी अच्छे मित्र हो गए। नंदू तो पहले से ही अमीर था, अब कल्लू भी पैसे वाला हो गया था। दोनों अब एक सामान्य जीवन जीने लगे।